राज्यसभा भर्ती की विज्ञप्ति होने के बाद आपको 30 दिन का समय मिला है, 30 दिन में अपनी संपूर्ण तैयारी कैसे करें? वास्तविकता यह है कि 30 दिन में अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया और अगर आपने एक रणनीति नहीं बनाई तो आप अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कॉम्पिटिशन कितना बढ़ता जा रहा है। ये कहना बेहद आसान है, आइए 30 दिन में जाने कैसे संपूर्ण तैयारी करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना बेस्ट और बेहतर देना होगा, आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा, उस टाइम टेबल को फॉलो करना होगा। ये भी कहना मुश्किल है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर 12 घंटे पढ़ लेगा तो सभी की IQ लेवल बराबर होगी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी किताब आपके लिए बेहतर होती है, कैसे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, 30 दिन में कैसे तैयारी करनी है और अपने सिलेक्शन वाले रथ को आगे तक कैसे लेकर जाना है। ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और ये चाहते हैं BPSC के माध्यम से होने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप सफलता के परचम लहराएं और अपने सपने को पूरा करें, उसके लिए वहां पर 6 से 8 तक जूनियर शिक्षक भर्ती, जिसे हम मध्य विद्यालय मध्य माध्यमिक विद्यालय के नाम से जानते हैं पद का नाम, दूसरा 9-10 जिसे हम माध्यमिक विद्यालय के नाम से जानते हैं, तीसरा है उच्च माध्यमिक विद्यालय, इनके लिए शिक्षकों की नियुक्ति होती है। जूनियर, इसको हम शॉर्ट में जूनियर कहते हैं, इसे हम TGT इसे PGT के नाम से जानते हैं। यह भर्ती उतनी महत्वपूर्ण है जितना आपका सपना है। इसके सब्जेक्ट का चयन कैसे करना है, सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। ई-लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, क्रमवार रूप से आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां पर जाकर देखकर अपनी सारी जानकारी आप यहां पर एक ही जगह प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि 30 दिन में पक्की तैयारी कैसे करें, 30 दिन में आपको अपनी जान झोंक देनी होगी। हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे कैसे आपको पढ़ना है। वैसे सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबके IQ लेवल अलग होते हैं कि आपने व्यक्ति भिन्नता पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी एक कॉमन व्यक्ति के लिए 30 दिन भी महत्वपूर्ण है इस भर्ती के लिए, अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ अपना बेस्ट दिया। कितने घंटे पढ़े, घंटे की बात करें, कुछ ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ते याद हो जाते हैं, कुछ 3 बार पढ़कर याद होता है, किन्हीं को 4 बार पढ़कर याद होता है। तो घंटे वाले सवाल में एक कॉमन व्यक्ति की अगर हम बात करें तो कितने घंटे आपके लिए चाहिए इस 30 दिन के तैयारी करने के लिए। दूसरा, कौन सी नोट्स पढ़े, क्योंकि किताब की बात करें, अगर बुक्स की बात करें तो सबसे पहला सवाल आपके मन में आता है कि बुक्स अगर हम पढ़ेंगे, बुक्स की अगर तैयारी करेंगे तो आपके पास समय कम है 30 दिन में। अगर हम बात, क्योंकि NCERT से सवाल आने हैं, NCERT को ही पढ़ना है आपको, बिना NCERT पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं होना है, तो आपको पता है कि NCERT किताबें पढ़ेंगे तो इतनी किताबें हो जाएंगी, इतनी किताबें 30 दिन में खत्म करना, उन्हें याद करना, दोनों एक दूसरे के विरोधाभास हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन कैसे हो, तो आप इस NCERT के नोट्स ले सकते हैं जो ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है, जो आप PDF फॉर्मेट में आपको कम समय में आपके घर तक मिल जाएगा। NCERT के नोट्स से आपको ये फायदा होगा, पूरे NCERT कंटेंट शॉर्ट में आपको मिल जाएंगे, जो एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आप रिविजन भी कर सकते हैं। जैसे कक्षा 6 के इतिहास है, भूगोल है, तो कक्षा 6 के इतिहास को आप 3 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, 6-7-8 मैंने एक दिन में 6 से 8 तक के इतिहास, 6 से 8 तक की भूगोल बढ़िया से समझकर उसे खत्म कर सकते हैं, और उस नोट साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे। आपको सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा कि प्रश्न की जो भाषा होती है, क्योंकि BPSC लोक बिहार लोक सेवा आयोग प्रश्न का स्टैंडर्ड ऊपर होता है, उसकी प्रश्न पूछने का तरीका बड़ा अलग होता है, तो उस प्रश्न की भाषा को समझने के लिए सबसे पहला जो काम करना होगा आपको NCERT की समझ रखनी होगी, और NCERT खुद ब्रॉड है। अगर आपको लगता है किताबें पढ़नी चाहिए तो बेस्ट है, मेरे हिसाब से मेरा जो सुझाव है, व्यक्तिगत सुझाव है, कि आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के NCERT नोट्स पढ़ सकते हैं, वो आपके सफलता के लिए महत्वपूर्ण होंगे। नोट्स पढ़ेंगे अगर आप 7 दिन में चाहेंगे तो सभी NCERT नोट्स को कवर कर लेंगे 7 दिन में। अब आपके पास बचते हैं लगभग 23 दिन, 23 दिन में भी आपको सबसे बड़ी बातें ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि आपको अपने सिलेबस को 2 भागों में डिवाइड करके रखना है। पहले तो मैं इस पर पूरा बात कर लेता हूँ, फिर अपने सिलेबस को अब 2 पार्ट में रख लेना है, एक तरफ रखना है वीक जोन, दूसरी तरफ रखना है स्ट्रॉन्ग जोन। तो जो वीक जोन है उसे रिविजन करिए बार बार, मतलब उसे पढ़ने का प्रयास करिए। जो आपको लगता है कि जो सब्जेक्ट आपको कमजोर लग रहा है, जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक आपको लग रहा है आपसे नहीं हो पाएगा, उसे रिविजन में डाल दीजिए। लेकिन जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है ये आप आसानी से कर लेंगे, आपको उस पर जैसे लैंग्वेज की बात करें हिंदी अंग्रेजी मिलाकर आपको 100 में 30 लाने हैं, तो अब ज्यादा पढ़ने मत ध्यान दीजिए। हाँ, उसको आधा घंटा प्रतिदिन इसलिए दे दीजिए ताकि रिवीजन में रहे, भूलने ना पाए। जो चीजें आपको लगती है बहुत कठिन आपसे नहीं हो पाएगा उस पर आप अपना ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि नकारात्मक अंक नहीं रहने वाला है, सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है जो आपका वीक जोन है। वीक जोन पे अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके सिलेक्शन का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले वीक जोन स्ट्रॉन्ग जोन आप बना लेंगे अपने चार्ट पर, पहले सिलेबस रखेंगे, सिलेबस की वीडियो मैंने बना रखी है, यूट्यूब पर जाकर देख पाएंगे। अब अपना वीक जोन और स्ट्रॉन्ग जोन लिख लीजिएगा, वीक जोन स्ट्रॉन्ग जोन में भी 2 भागों में बांट दीजिए। पहले देखिए 40 नंबर का पेपर, 40 नंबर जो सभी के लिए कॉमन है, प्लस 80 नंबर का सब्जेक्ट,
इन दोनों में देखिए कि इसका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है और वीक जोन क्या है, स्ट्रॉन्ग जोन और वीक जोन। इसका भी देखिए स्ट्रॉन्ग जोन क्या है और वीक जोन क्या है। अब जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसे केवल केवल रिविजन करिए, उसे क्या करिए, रिविजन करिए। रिविजन करने के साथ साथ इसके जुड़े एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व करिए, मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है उसके ज्यादा ज्यादा एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व करना है, उसे क्या करना है, एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व करना है। यहां से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा। दूसरी काम जो आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जो आपका वीक है उसके लिए आप थोड़ा सा समय देना होगा। समय देने का मतलब पूरे दिन में अब आपको कम से कम 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं 12 घंटे की बात करूंगा तो सबके बस की बात नहीं है कि अचानक से 12 घंटे पढ़ ले। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा तैयारी करते रहिए, भर्ती कभी भी आ सकती है लेकिन तैयारी कभी भी अचानक से नहीं हो सकती, लेकिन मजबूरी है 30 दिन में ही आपको तैयार करना है। अगर परीक्षा की तिथि बढ़ जाती है तो आपको समय मिल जाएगा। अब इसको क्या करना है, 12 घंटा जो मैं अगर आप 10 घंटे पढ़ने के लिए आप निकाल लेते हैं, इस 10 घंटे में सबसे पहला जो आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, इस प्रैक्टिस में सबसे पहला काम ये करिएगा कि ये 5 घंटे आप प्रैक्टिस के लिए निकाल दीजिए। 5 घंटे प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरत होगी, आपको एमसीक्यू की जरूरत होगी। एमसीक्यू मार्केट से बहुत सारी किताबें आप उन्हें लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसकी मैराथन क्लास भी एमसीक्यू की मैंने एक एक विषय की पूरी कंप्लीट डाल दी है ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर, जहां संपूर्ण भूगोल 10 से 12 घंटे में समाप्त हो जाएगा, संपूर्ण इतिहास 10 से 12 घंटे में समाप्त हो जाएगा, इकोनॉमिक्स होगा, कंप्यूटर होगा, ऐसे तमाम विषय हैं, साइंस होगा, जो 10 से 12 घंटे में कंप्लीट सेशन आपका हो जाएगा जो आपको तैयारी करने में काफी मदद दे सकता है। तो एमसीक्यू अगर आप एमसीक्यू यहां पे पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे में अगर आप एमसीक्यू पढ़ें, इस एमसीक्यू में क्या करिए, जो आपका लैंग्वेज है ध्यान दीजिएगा, आपका जो लैंग्वेज है क्योंकि लैंग्वेज आपको 30 नंबर ही लाने हैं, तो कोशिश करिए उसे 1 घंटा या आधे घंटे दीजिए। अगर आप लैंग्वेज को 1 घंटा दे रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद जो स्ट्रांग जोन है, जो आप लगता है कि नहीं यार ये आपका स्ट्रांग है लेकिन उसे भी रिविजन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी आप कम से कम जो आपका स्ट्रांग जोन है उसे कम से कम 2 से 1/2 घंटे दीजिएगा। अब आपके पास बचे लगभग 1.5 घंटे, तो 1.5 घंटे आप कोशिश ये करिए कि आप या इसको 2 घंटे दे सकते हैं, स्ट्रांग जोन को आप 2 घंटे दीजिए, और जो वीक जोन है, जो आपका वीक जोन है जो लगता है कि नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, उसके लिए भी आप डेली 2 घंटे निकाल दीजिए, उसके लिए भी 2 घंटे निकालिए। अब इतना आपके पास हो गया, इतना सिलेबस आप 5 घंटे में आपको करना है। ये अपने हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हैं, अपने हिसाब से आगे पीछे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जब वीक जोन को आप सॉल्व करेंगे तो आप कितना पढ़े वो तो समझ में आएगा ही, क्या क्या अभी आपको और पढ़ना वो भी क्लियर होगा। और स्ट्रांग जोन को पढ़ना नहीं है, आपने ज्यादा समय रिविजन में दे दिया क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं से भी सवाल आ रहा आप कर ले रहे हैं, अब उसमें ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि परीक्षा में गलती ना होने पाए, गलती होने की संभावना कम हो पाए। अब अगला जो 5 घंटा मिलेगा, अगला जो 5 घंटा आपको मिलने वाला है, अगला जो आपको 5 घंटा मिलेगा, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो आपके लिए है वो ये करना है कि जो वीक जोन है ना, वीक जोन इसको भी आपको थ्योरी के रूप में कवर करना है। कम से कम इसको आप 3 घंटे दीजिए, कम से कम आप इसे 3 घंटे दीजिए, क्या करिए 3 घंटे दीजिए। अब आपके पास 2 घंटे बचे हैं, 2 घंटे आप कोशिश करिए कि पूरे पेपर का जो कंप्लीट पेपर है उस पेपर में जो आपको लगता है कि इसको पढ़कर आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं, जैसे आप YouTube पर दे सकते हैं, सोशल मीडिया पर दे सकते हैं, तो आप अगर 2 घंटा जो है आप उसे YouTube पर स्टडी कर सकते हैं, YouTube पर 2 घंटा आप स्टडी कर सकते हैं जहां पे आपको मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट आदि आपको मिल सकते हैं। ये तो इस 2 घंटे में आप मॉडल पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं, इस 2 घंटे में आप मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस 10 घंटे को देखिए, सबका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, तो अब मेरी बात समझने का प्रयास करिए। अगर कोई पेपर आप देने जा रहे हैं तो सबसे पहला जो सरल सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए, अगर सरल सवाल गलत होगा तो आप सिलेक्शन से काफी पीछे जाएंगे। सरल सवाल सही होगा और जितना कठिन सवाल आपका सही होगा उतने सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है वो आपको प्रश्न उसके हल्के लगे, रहे तो सरल सवाल पूछ रहे तो मुझे आता है, तो जो सवाल आपको आता है वो सरल लगता है। तो ये कोशिश करना है जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसे रिविजन में डालिए, उसे ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करिए उसके, और वो एमसीक्यू कोई भी आपको मिल जाए उस पर ज्यादा जब फोकस करेंगे तो सबसे बड़ा जो आपका फायदा है वो ये हो जाएगा कि आपको परीक्षा में सरल प्रश्न ज्यादा सही हो जाएगा। जो कठिन प्रश्न मतलब जो विषय आपको नहीं आता वो आपको कठिन लगता है, जो कठिन लगेगा उसमें अगर आप 2 घंटे एमसीक्यू में दे रहे हैं और इधर थ्योरी है, अगर आप थ्योरी को दे रहे हैं 5 घंटे
पांच घंटे में तीन घंटे आप वीक जोन को दे रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे स्ट्रांग होगा और इसको भी अपने हिसाब से तीन घंटे को डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं पूरे दिन लगातार आप पढ़ते रहें, और अगर हो सके तो एक आध प्रैक्टिस सेट इस समय निकालकर इसके अलावा सोते समय, उठते समय, बैठते समय एक प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कर ले तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि 30 दिन में बहुत सारे त्यौहार पड़ेंगे, कहीं आना जाना भी पड़ेगा, तो आपको इस पूरे टाइम को मैनेज करना है। हो सकता है ये किसी के लिए 6 घंटे में भी कवर हो जाए, हो सकता है इतनी चीज किसी के लिए 16 घंटे भी लगे, तो आपको अपने IQ लेवल के हिसाब से इसे अपने आप से डिजाइन करना है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दिया और आपका सिलेक्शन हो गया। और आपने देखा BPSC को पूछने का जो दायरा होता है बहुत ही ब्रॉड होता है, कहां से प्रश्न पूछ रहे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इतना मेहनत किए रहेंगे तो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा। तो हो सकता है कोई प्रश्न ऐसा भी आएगा जिसका उत्तर आपको नहीं पता है, लेकिन BPSC में उसे सही करने की जो संभावना होगी वो आपकी बढ़ जाएगी, माने उस प्रश्न का सही उत्तर लाने की संभावना आपके पास ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इतने पेपर को सॉल्व कर लिया, इतना प्रैक्टिस कर लिया, अब आपको पता होगा कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। इनकी प्रश्न कोशिश करिएगा कि इनकी व्याख्या भी पढ़ते चलिएगा, और उसके लिए बहुत सारी मैराथन क्लास है जो आपको क्रमवार रूप से एक एक डे करके हम ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध करा देंगे, जो आपकी परीक्षा में सिलेक्शन में काफी मददगार होगी। इस बार BPSC पेपर जो है वो लेवल भी थोड़ा डाउन होगा, थोड़ा डाउन इसलिए होगा उसके लिए भी समझ लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार ये हुआ था पेपर की कठिनाई स्तर बहुत ज्यादा थी। जब पेपर की कठिनाई स्तर बहुत ज्यादा थी तो बहुत सारे अभ्यर्थी क्या हो गए थे, बाद में BPSC को इस बात का आभास हुआ कि यार पेपर मैंने बहुत कठिन बना दिया, तो उन्होंने नेगेटिव मार्किंग हटा दी, और अब नेगेटिव मार्किंग पासिंग मार्क जो था क्वालिफिकेशन परसेंटेज उसको भी डाउन किया। अब आगे भी वो प्रश्न की कठिनाई स्तर को कम करने का प्रयास करेंगे, कठिनाई स्तर कम करने का प्रयास करेंगे। ये भी बात चल रही है कि हो सकता है विकल्प संख्या जो 5 उसकी जगह भी 4 हो जाए। फिलहाल ये तो आने वाले समय बताएगा, लेकिन आपको अपनी पक्की तैयारी करनी है। उसके लिए अगर आपको पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए नोट्स सबसे बेस्ट होगा, मेरी व्यक्तिगत राय है। अगर आपने खुद नोट्स बनाया तो ज्यादा ठीक है, नहीं बनाया तो किसी से ले लीजिए। किसी की बैच ज्वाइन करने के चक्कर ना पड़े, किसी की बैच ज्वाइन करेंगे तो समय आपका ज्यादा बर्बाद होगा, उनके समय से आकर आपको पढ़ना होगा, उनके समय से आकर ज्वाइन करना होगा, और आपको 30 दिन बचा, हो सकता है 10 दिन बढ़ जाए, 15 दिन बढ़ जाए या 1 हफ्ता बढ़ जाए, तो बढ़ गया तो कल की बात है, बढ़ जाएगा तो अगर आप इतनी रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन इसके भरोसे बैठे कि टाइम बढ़ जाएगा तब आप पढ़ पाएंगे तो ये गलत बात हो जाएगी। इसलिए आप जो भी साथी इस वीडियो को पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं वो ये कोशिश करें कि सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी होता है, दुनिया की सबसे बेहतरीन स्टडी मानी जाती है सेल्फ। क्योंकि कोई दुनिया कोई ताकत नहीं, कोई किसी की बैच नहीं है जो आपको घोर के दे दे और आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि पढ़ना आपको है, पढ़ना आपको खुद है। जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक सफल नहीं होंगे। इसलिए इस मैंने YouTube के 2 घंटे जो मैंने बताया, अब इस पे वो सिलेक्टेड टॉपिक देख लीजिए जो आपको जरूरी लगती है, जहां से आपको परीक्षा में सवाल सकते हैं, ये आपको फ्री में मिल जाएंगे। बहुत सारे चैनल्स पे वीडियोज आपको मिलते हैं, मेरी भी क्लासेज आपको निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में मिलती रहती है। अगर आप चाहें NCERT की नोट्स के लिए तो यहाँ पे देखिए एक नंबर में लिख दे रहा हूँ, हो सकता है वो नंबर आपके काम आ जाए, आप घर बैठे सभी नोट्स यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, ये सभी PDF नोट्स हैं, क्योंकि मैं भी NCERT के नोट्स ई-लर्निंग विद दुर्गेश के पढ़ता हूँ, क्योंकि कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए बेहतरीन मौका। ये हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको घोर के पिला दे और आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए इन बातों का आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना होगा, सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। अगर आप इसका ध्यान नहीं रख पाएंगे तो हो सकता है आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, तो उन सभी सवालों को, उन सभी प्रश्नों को आप यहाँ पर ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे माध्यम से पूछ सकते हैं, और आगे भी हम इस पर आपकी राय जरूर लेंगे। क्योंकि देखिए, आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश से बहुत सारे नोटिफिकेशन होते हैं, बहुत सारे क्लासेज होते हैं, जो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ वहां से भी आपको मिल जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा, उसमें अपना नाम और बैच नंबर लिख के भेजेंगे तो वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ, देखिए ताकि आपके काम आ जाए, 6306344367, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको सभी नोट्स आपसे मिल जाएगी जो कम समय में आपको बेहतर तैयारी करा सकती है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि जैसे अगर कक्षा 6 से लेकर 10 तक NCERT पढ़नी है, जैसे आपका कक्षा से लेकर 8 तक की तैयारी करें, इसके लिए कम से कम 8 तक NCERT कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन हम भी कहेंगे कि 10 तक NCERT पढ़ लीजिए। तो ये 10 तक NCERT, चाहे आप साइंस मैथ लें, चाहे लैंग्वेज लें, चाहे आप SST लें, तो आपको सब्जेक्ट को पढ़ने के NCERT नोट्स अगर चाहेंगे तो एक दिन में 6 से लेकर 10 तक की एक विषय को खत्म कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी आपके पास होनी चाहिए। अगर एक दिन में नहीं तो अधिकतम 2 दिन में चाहेंगे एक विषय की NCERT खत्म हो जाएगी, पूरी हिस्ट्री 2 दिन। अगर 20 घंटे आपने दे दिया तो 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट सिविक्स हो जाएगी आपकी। लेकिन उसके साथ साथ हो सकता है आपको इकोनॉमिक्स जैसे 9-10 में चलते, कुछ विषय ऐसे हैं जो 6 से 12 तक चलते हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जो केवल
9 10 में चलते हैं, कुछ 11 12 में, कुछ 6 से 12 तक में चलते हैं, तो वो भी है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से एनसीईआरटी में ले सकते हैं। यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में नोट्स उपलब्ध है जो आपके काम आ सकते हैं। एक नंबर और इस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जैसे उसका मैं नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अपना नाम और जिला लिखकर भेज देंगे तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे जहां पर आपको सभी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। ठीक, ये लर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस का नंबर, ये भी लर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस का नंबर है, जो गेस्ट के रूप में मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आपके लिए पढ़ाने के लिए आ जाता हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट आपको अपने हिसाब से करनी है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपका स्ट्रांग जोन है उसे रिविजन करना है, वीक जोन को ज्यादा समय देना है। और याद रहे कि प्रश्न को छोड़ा नहीं, क्योंकि आपको पूरा पता है कि 120 नंबर का पेपर जो है यही आपके लिए निर्णायक है, और जो पेपर फर्स्ट लैंग्वेज है वो केवल केवल आपके लिए क्वालिफाई करना है। अगर उसको आधे घंटे भी समय देंगे, मैंने तो एक घंटा ज्यादा लिख दिया, अगर आप आधा घंटा भी देंगे, नहीं भी देंगे, लास्ट के 10 दिन एक घंटे पढ़ देंगे तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि क्वालिफाई करना है इसलिए आपके लिए जरूरी है। और 9-10 के अभ्यर्थी जो है उनके लिए भी विषय का है, उन्हें 6 से लेकर 12 तक की पढ़नी होगी, और 11-12 को भी 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और इस एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए इनको भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इनको वही परीक्षा दे पाएगा जो उन्होंने यस्टर दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूं, इसके लिए यहाँ पर छोटा सा मैं आप लिख दे रहा हूँ, केवल ये बीएड के अभ्यर्थी ये स्टेट पेपर फर्स्ट वाले दे देंगे, यहाँ पे भी बीएड के अभ्यर्थी होंगे जो ये स्टेट सेकेंड वाले दे पाएंगे, लेकिन जो 6 से लेकर 8 तक है इसके लिए सीटेट का अभ्यर्थी दे पाएगा, जिन्होंने सीटेट पेपर सेकेंड दिया है, पास है या अपेयरिंग वालों को भी यहाँ पे मौका मिल सकता है। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है ये चीजें समझने के लिए। और अब आप अपना बेस्ट और बेहतर देना, देखिए नौकरी उतनी आसान है जितनी लोग कह देते हो, इतना भी आसान नहीं, मैंने कह दिया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप देखें जब तक आप पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो ऐसे घुमा दे गोल सा चक्कर और आपका सिलेक्शन हो जाए, ये मैं बार बार कहूंगा, दावे के साथ कहूंगा, आपको अपना बेस्ट और बेहतर देना। अगर आपकी मेहनत में इतनी सी भी कमी रहेगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कट ऑफ के अगर ऊपर है तभी आपका सिलेक्शन होगा, नीचे आएंगे तो न समाज में कोई सम्मान रहेगा, न कोई धैर्य बनाएगा, खुद से घुटकर रह जाएंगे आप। इसलिए मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, कहीं से भी पढ़िए, पढ़ते रहिए। कई बार होता है भर्ती आती तब लोग तैयारी शुरू करते हैं, मैं आपको बार बार कहता हूं आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, भर्ती का इंतजार मत करिए, भर्ती का दरवाजा कभी भी खुल सकता है, किसी भी क्षण खुल सकता है, और आप कि तैयारी कभी भी किसी भी क्षण नहीं हो सकती। अब उनके लिए जो रेगुलर पढ़ रहे थे उनके लिए तो नौकरी पाना बेहद आसान हो गया, लेकिन जो अब अचानक से तैयारी करना शुरू करेंगे उनके लिए कहीं ना कहीं ये मंजिल थोड़ी सी कठिन लगेगी, यार थोड़ा सा वक्त और मिल जाता तो कितना बढ़िया रहता। फिलहाल ईश्वर करे आपको समय मिल जाए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप सभी का सिलेक्शन हो, कहां जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, आप अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहें। यकीन मानिए आप पर खुद का भरोसा आपको आपकी सफलता तक जरूर पहुंचा सकता है, और आप ही ऐसे हैं जो खुद में खुद को निहार कर अपने आपको खुद के लिए बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि खुद की खुद के लिए जवाबदेही होती है जब आप सफलता और असफलता की सीढ़ियों पर पहुंच पाते हैं। इसलिए अभी भी आपके पास समय है, आप अपना बेस्ट और अपना बेहतर देना बंद मत करिए, और इसके लिए पूरी सिलेबस की वीडियो मैंने बना दी है। और अगर आपको लगता है किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो कमेंट करिएगा, या आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करिएगा, लाइक करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी कि वीडियो आपके लिए बेहतर लगा। अगर आप वीडियो शेयर करेंगे जैसे मैं आपकी मदद कर रहा हूं, वैसे आप भी दूसरे की मदद करेंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करिएगा, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो और लाइक करिएगा। और अगर आप चाहते हैं बीपीएससी जुड़े सभी सवालों के सभी वीडियो आपको लाइव मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। और इसके अलावा एक और चैनल है सुपर टेट विद दुर्गेश सर, उस पर भी क्लासेस चलती रहेंगी, क्योंकि उस पर एक दिन में 3 से 4 क्लास चल पाएंगी। तो एक और यूट्यूब चैनल है सुपर टेट विद दुर्गेश सर, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। उस चैनल पर कंप्लीट वीडियो निःशुल्क क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, मेरे द्वारा सभी क्लासेस आपके लिए निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में है। और याद रहे आपको नोट्स एनसीईआरटी के पढ़ने हैं और आपका सपना जरूर पूरा होगा, अब की बार एक सीट हमार। एनसीईआरटी इसलिए जरूरी है कि एनसीईआरटी प्रश्नों की भाषा आपको समझाएगी, और पूरा बीपीएससी एनसीईआरटी बेस्ड है, बिना एनसीईआरटी के बीपीएससी को आप तोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी को सबसे पहले आपको फोकस करना है, और मैं बार बार कहूंगा एनसीईआरटी ही आपके सिलेक्शन की चाबी भी है। और एनसीईआरटी के साथ साथ आप मार्केट की भी किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको छोड़कर नहीं, इसके साथ साथ ही आगे बढ़ना है, क्योंकि आपने पीछे देखा कि बीपीएससी का जो परीक्षा का लेवल होता है किस हद तक होता है। इसी के साथ थैंक यू, आप सभी को बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, अब की बार एक सीट हमार। वीडियो को शेयर करिएगा,
और इलानी विद्रोह के एनसीईआरटी के नोट्स अगर आपने देखे हो तो कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा नोट्स कैसे रहे, और अगर आपको बेहतर लगे तो दूसरे को सजेस्ट जरूर करिएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा, नोट संबंधित यहां पर जानकारी लीजिएगा, और आप सभी निःशुल्क क्लासेस के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं टेलीग्राम के लिए आपको सर्च करना होगा, देखिए टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे तो हर वीडियो की नोटिफिकेशन लिंक मिल जाएगी। उसके लिए आपको सर्च करना होगा टेलीग्राम पर दुर्गेश सर बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश, वहां पर आपको सभी क्लासेज वीडियो की नोटिफिकेशन लिंक, क्योंकि कई बार यूट्यूब की वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता तो टेलीग्राम के माध्यम से आपको पहुंच जाएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 6 से 12 तक के सभी कंप्लीट नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। मिलते हैं नए सेशन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक यू। इसकी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, इसकी स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं।